सब जानते हैं कि जानदार अपनी शक्लो सूरत और दीगर खसूसियात मसलन रंग कद जसामत वगैरह अपने वालदैन और अबाव अजदाद से विरसा में हासिल करते हैं। हत्ता के बाज़ अमराज भी उन्हें वालदैन से विरसा में मिलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वालदैन से मुशाबहत के बावजूद हर जानदार की अपनी शक्लो सूरत होती है जिससे वो दूसरों से अलग पहचाना जाता है। हत्ता के जुड़वां बच्चों को भी पहचाना जा सकता है। और बाज़ दफ़ा तो बच्चों में ऐसी खसूसियात नमूदार हो जाती हैं जो माँ बाप में से किसी में भी नहीं होती। मसलन हाथों की 5 की जगह 6 उंगलियाँ, ब्राउन आँखों वाले वालदैन के यहाँ नीली या सब्ज आँखों वाले बच्चे, काले वालदैन के यहाँ बहुत गोरे बच्चे। अज़ीज़ तलबा, ये सब किस तरह होता है? ये खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे मुंतकिल होती हैं? और कुछ खसूसियात एक दो नस्लों में मख्फी रहने के बाद अचानक किसी नस्ल में नमूदार हो जाती हैं? और ये सब खसूसियात पैदा किस तरह होती हैं? तो 19वीं सदी के वस्त तक इनके और खसूसियात के तवारिस यानी वालदैन की खसूसियात के बच्चों में मुंतकिल होने से मुतलिक बहुत से दूसरे सवालात के वाज़े साइंसी जवाब नहीं थे। अगरचा बहुत से दूसरे साइंसदानों ने इस मज़हर को समझने की कोशिश की और तजर्बात भी किए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। आखिरकार 1856 के लगभग ऑस्ट्रिया में एक कस्बा बर्न में ग्रेगर मेंडल नामी एक शख्स ने इनहेरिटेंस के मज़हर को समझने के लिए बाकायदा तहकीक की। उसने अपने चर्च के बागीचे में पौधे उगाकर उनका मुतालिया किया। मेंडल एक राहिब या पादरी था और हाई स्कूल में रियाजी और मुतालिया फितरत के मजामीन भी पढ़ाता था। वो साइंसदान नहीं था। उसने किसी बड़ी साइंसी लैबोरेट्री में आला आलात व सामान की मदद से तहकीक नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उसने जो तजर्बात किए और इन तजर्बात के नतीजे में जो कवानीन अखज़ किए वो इनहेरिटेंस के मज़हर को समझने में अहमियत के हामिल हैं और इनसे साइंसदानों को इनहेरिटेंस को समझने में काफ़ी मदद मिली है। आज हम आपको मेंडल के तजर्बात और इन तजर्बात के नतीजे में उसने जो कवानीन वज़ा किए उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेंडल ने अपने चर्च के बागीचे में पौधे उगाकर उनकी कई खसूसियात मसलन फूल के रंग, तने की लंबाई, बीज की शक्लो रंग वगैरह का मुतालिया किया और देखा कि ये खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती हैं। मेंडल ने जब तहकीक शुरू की तो उसे मालूम था कि वालदैन की खसूसियत औलाद में नर और मादा गैमीट्स यानी जानवरों में स्पर्म्स और एग के ज़रिए से और प्लांट्स में पॉलन ग्रेन और एग के ज़रिए से मुंतकिल होती हैं, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि ये खसूसियत किस शक्ल में और किस तरह मुंतकिल होती हैं। ये सब जानने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे उगाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने मटर के पौधों का ही इंतखाब क्यों किया, कोई और पौधा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसमें उसकी ज़ाती पसंद या नापसंद का अमल दखल नहीं था, बल्कि उसकी कुछ ठोस वजूहात थीं। इसकी एक वजह तो ये थी कि मटर के पौधों की फसल निस्बतन जल्द तैयार होती है और कम वक्त में इसकी कई नस्लों का मुतालिया हो सकता है। दूसरी वजह ये थी कि मटर के पौधों की कई अकसाम दस्तियाब हैं जो फूल फली बीज वगैरह की शक्ल रंग और तने की लंबाई के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तीसरी वजह ये थी कि मटर के पौधों की मुख्तलिफ अकसाम के दरमियान मिलाप से बीज हासिल हो सकते थे। इस तरह
मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल पौधों में मिलाप करके खसूसियात के तवारिस यानी इनहेरिटेंस का मुतालिया मुमकिन था। चौथी और अहम वजह यह थी कि मटर के पौधों में फितरी तौर पर सिर्फ खुद ज़ेरगी या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, क्योंकि इसके स्टेमन्स और कार्पल फूल की पंखड़ियों में बंद होते हैं। ये देखिए, ये मटर के फूल हैं। इस फूल की साख्त देखें। फूल की पंखड़ियों के इस हुड को कील कहते हैं। स्टेमन्स और कार्पल इसके अंदर बंद हैं। देखिए, हशरात या हवा वगैरह के ज़रिए से दूसरे फूलों का पोलन इनके कार्पल स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसके अपने पोलन से ही इसकी पॉलिनेशन होती है। अलबत्ता इन फूलों में खुद क्रॉस पॉलिनेशन की जा सकती है, यानी एक फूल से पोलन लेकर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर छिड़क कर। लेकिन इसके लिए पहले फूल के स्टेमन्स को पोलन बनने से पहले काट दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। फिर किसी दूसरे पौधे के फूल से पोलन लेकर स्टिग्मा पर छिड़क देते हैं, कील को बंद कर देते हैं। इस तरह बनने वाला बीज दो मुख्तलिफ पौधों की गैमीट्स के मिलाप से बनता है। मेंडल ने मुख्तलिफ पौधों के दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन की। उसने मटर के पौधे की साथ मुख्तलिफ खसूसियात के तवारिस का मुतालिया किया। उसने हर खसूसियत की दो मुतजाद सूरतों को मद्देनज़र रखकर तजर्बात किए। मसलन ये देखें, ये बीज की शक्ल की दो सूरतें हैं। ये गोल और हमवार शक्ल है और ये झुरीदार और गैर हमवार है। इसी तरह ये बीज के रंग की दो सूरतें हैं। ये जर्द रंग है और ये सब्ज़ रंग है। फली की शक्ल ये हमवार शक्ल की है और ये गैर हमवार है। फली का रंग ये भी दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसमें सब्ज़ रंग है और इसमें जर्द रंग है। इसी तरह फूल के रंग की भी दो शक्लें हैं। ये पर्पल कलर में है और ये वाइट कलर में है। फूल की पोजीशन ये एक्सल पोजीशन है और इसमें टर्मिनल है। इसी तरह तने की लंबाई की भी दो सूरतें हैं, एक लंबी और दूसरी छोटी। पहले मेंडल ने एक खसूसियत ली, उसकी दो मुतजाद सूरतों को मद्देनज़र रखकर पौधों के दरमियान खुद क्रॉस पॉलिनेशन की। मसलन बीज की शक्ल की खसूसियात ये देखें, ये इसकी दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये गोल और हमवार शक्ल के बीज हैं और ये झुरीदार और गैर हमवार हैं। इसी तरह सबसे पहले उसने एक खसूसियत लेकर इनकी दो सूरतों को मद्देनज़र रखकर उनके दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन की। मसलन जर्द रंग के गोल बीज और सब्ज़ रंग के झुरीदार बीज वाले पौधों के दरमियान क्रॉस किया। इसी तरह उसने दो मुख्तलिफ खसूसियात वाले पौधों के दरमियान मिलाप किया। दो मुख्तलिफ पौधों के दरमियान मिलाप को क्रॉस कहते हैं। जिन क्रॉसेस में एक ही खसूसियत की मुतजाद सूरतों को मद्देनज़र रखा जाए उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस या यक दोकला मिलाप कहते हैं। जिन क्रॉसेस में दो मुख्तलिफ खसूसियात की मुतजाद सूरतों को बजक वक्त मद्देनज़र रखा जाए उन्हें डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से जो तजर्बात किए और उन तजर्बात के नतीजे में जो कवानीन अखज़ किए उन पर गौर करते हैं। अगरचे मेंडल ने मटर के पौधे की सात खसूसियात और उनके तवारिस का मुतालिया किया और तजर्बात किए, हम सिर्फ एक खसूसियत लेते हैं क्योंकि इस तमाम खसूसियात का रिज़ल्ट एक जैसा था। मेंडल ने देखा कि मटर के बीज दो किस्म के हैं, गोल और झुरीदार। उसने गोल बीज पैदा करने वाले पौधे और झुरीदार बीज पैदा करने वाले पौधों का सही नस्ल चुनाव किया।
ये चुनाव उसने मुतअद्दिद बार पौधों की सेल्फ पॉलिनेशन करके किया। जब उसे यकीन हो गया कि इस पौधे में झुर्रीदार बीज वाले पौधे की मिलावट नहीं है, तब उसने उसको सही नस्ल गोल बीज के हवाले से पौधा करार दिया। बिल्कुल इसी तरह उसने दूसरी खासियत झुर्रीदार बीज वाले पौधे की ट्रू ब्रीडर्स होने का किया। क्रॉस पॉलिनेशन उसने दो तरह से की। कुछ क्रॉसेस में उसने गोल बीज वाले पौधों के फूल से पोलन लेकर झुर्रीदार बीज वाले पौधों के फूल के स्टिग्मा पर छिड़का, और कुछ क्रॉसेस में उसने इसके बरक्स किया, यानी झुर्रीदार बीज वाले पौधों के फूल से पोलन लेकर गोल बीज वाले पौधों के फूल के स्टिग्मा पर छिड़का। इस तरह के क्रॉसेस से उसका क्या मकसद था? अजीज तलबा, इस तरह के क्रॉसेस से वो ये यकीन करना चाहता था कि इस तरह बनने वाले बीज की शक्ल पर क्या फ़र्क पड़ता है कि नर गैमीट्स किस खासियत की हामिल थीं और मादा गैमीट्स किस खासियत की। पौधों के दरमियान क्रॉस को लिखकर यूं जाहिर किया जा सकता है, ये देखें, ये गोल बीज वाले सही नस्ल पौधे के गैमीट और झुर्रीदार बीज वाले सही नस्ल पौधों के गैमीट्स को जब मिलाते हैं या क्रॉस करते हैं तो एक नई नस्ल वजूद में आती है। लेकिन इससे पहले मेंडल ने इस सारे अमल में कुछ इस्तलाहात इस्तेमाल की। इन गोल बीज वाले सही नस्ल पौधे और झुर्रीदार बीज वाले सही नस्ल पौधों को उसने पहली आबाई नस्ल पेरेंटल या P1 कहा, और इन दोनों के क्रॉस से जो नई नस्ल वजूद में आई उसको उसने पहली अयाली नस्ल यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 कहा। अब देखना ये है कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी कि पहली अयाली नस्ल में किस तरह के बीज निकले, गोल, झुर्रीदार या फिर इन दोनों के दरमियानी कोई सूरत। मेंडल ने सैकड़ों क्रॉसेस किए लेकिन हर दफ़ा नतीजा एक ही निकला, यानी कि गोल शक्ल वाले बीज ही बने। दो मुतजाद सूरतों में से हमेशा सिर्फ एक सूरत ही नमूदार हुई। इसी तरह बकिया छः खसूसियात के लिए किए गए तजर्बात में भी दो मुतजाद सूरतों में से सिर्फ एक सूरत ही नमूदार हुई। क्या दूसरी सूरत कभी नमूदार ही नहीं हुई, या F1 में वो सूरत मुंतकिल ही नहीं होती, क्या हुआ? ये देखने के लिए मेंडल ने सैकड़ों क्रॉसेस किए और हर दफ़ा नतीजा एक ही निकला, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में गोल शक्ल के बीज ही बने। ये देखें, यानी मुतजाद खसूसियात में से सिर्फ एक खासियत नमूदार हुई। इसी तरह बकिया छः खसूसियात के लिए किए गए तजर्बात में भी दो मुतजाद सूरतों में से सिर्फ एक खासियत F1 में नमूदार हुई। क्या दूसरी खासियत F1 में मुंतकिल ही नहीं हुई, क्या हुआ? ये जानने के लिए मेंडल ने F1 में हासिल शुदा गोल बीज उगाए और उनके पौधों की सेल्फ पॉलिनेशन की। उसका ख़्याल था कि अगर दूसरी खासियत मुंतकिल होनी है और किसी वजह से वो F1 में ज़ाहिर नहीं हुई तो F2 में ज़ाहिर हो जानी चाहिए। आपका क्या ख़्याल है कि किस किस्म के बीज बने होंगे, देखते हैं। F2 में दोनों किस्म के बीज बने, यानी गोल बीज भी और झुर्रीदार बीज भी। मेंडल चूंकि रियाजी का उस्ताद था और वो तमाम मसाइल हिसाब किताब से करने का आदी था, इसलिए उसने F2 में हासिल होने वाले तमाम बीजों को गिना तो उसमें 75% जो थे वो गोल शक्ल वाले बीज थे और 25% झुर्रीदार बीज थे। इसी तरह इनका तनासुब 1:3 था। इसी तरह उसने बाकी खसूसियात से किए गए तजर्बात में भी ये बात नोट की कि इससे हासिल होने वाले जो बीज थे या जो खसूसियात थीं उनका तनासुब भी यही था, यानी कि 75% और 25%, दो मुतजाद खसूसियात 3:1 की नस्बत से थीं।
नतीज के तज्जिया से मेंडल ने कुछ मफरूज़े कायम किए। एक तो ये कि जानदारों की खसूसियात उनके जिस्म में मौजूद फैक्टर्स या अवामिल की वजह से पैदा होती हैं। दूसरी ये कि हर खसूसियत के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे बीज की शक्ल के दो फैक्टर्स हैं, एक इसे गोल बनाता है और दूसरा झुर्रीदार। तीसरा मफरूज़ा ये था कि बाज़ फैक्टर्स दूसरे फैक्टर्स पर हावी होते हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में दूसरे फैक्टर के ज़ेरे कंट्रोल खसूसियत नमूदार नहीं होती, जैसे F1 में झुर्रीदार खासियत नमूदार नहीं हुई। इसलिए मेंडल ने कुछ असलाहत इस्तेमाल की, यानी जो खासियत हावी या गालिब थी उसे उसने डोमिनेंट फैक्टर्स कहा और जो मगलूब थी उसको रिसेसिव फैक्टर कहा। मेंडल ने मटर के पौधे की जो 7 खसूसियात लें उनमें बीज की गोल शक्ल झुर्रीदार पर हावी है, इसी तरह बीज का रंग ये जर्द रंग ग्रीन पर हावी है और फली की शक्ल ग्रीन और हमवार डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इसी तरह फली का रंग ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव है। फूल का रंग पिंक डोमिनेंट है और ये कलरलेस रिसेसिव है। फूल की पोजीशन ये एक्सियल पोजीशन जो है वो हावी है और ये रिसेसिव है। तने की लंबाई यानी कि लंबा तना जो है वो डोमिनेंट है और छोटा तना रिसेसिव फैक्टर है। मेंडल ने गालिब फैक्टर को अंग्रेज़ी के बड़े हर्फ से ज़ाहिर किया और रिसेसिव करैक्टर को स्मॉल लेटर से ज़ाहिर किया। ये देखें, गोल बीज को कैपिटल R और जर्द रंग कैपिटल Y, ये डोमिनेंट है। इसी तरह झुर्रीदार स्मॉल R और सब्ज रंग स्मॉल Y, ये रिसेसिव फैक्टर्स को ज़ाहिर करता है। मेंडल ने हर खासियत के लिए दो फैक्टर्स वाला मफरूज़ा कायम किया कि हर जानदार में दो फैक्टर्स मौजूद होते हैं। अगर हर जानदार में एक फैक्टर होता तो F2 में दूसरी खासियत नमूदार ना होती। F1 में दोनों तरह के फैक्टर मौजूद होते हैं, वो फैक्टर भी जो ज़ाहिर हुआ है और वो फैक्टर भी जो नमूदार नहीं हुआ। इसीलिए F2 में दोनों तरह के फैक्टर ज़ाहिर हो जाते हैं, मगलूब खासियत भी और गालिब भी। सही नस्ल पौधे या जानदारों में चाहे वो गालिब खसूसियत वाले हों या मगलूब, दोनों में फैक्टर्स एक जैसे होते हैं। अब देखें, ये गोल बीज के पौधे में कैपिटल R और कैपिटल R एक जैसे हैं और इसी तरह झुर्रीदार बीज के पौधे में ये स्मॉल R और स्मॉल R एक जैसे हैं, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनती है। तो क्या फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 में ये 4 फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मेंडल का एक और मफरूज़ा ये था कि जब गैमेट्स बनती हैं तो फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं और हर गैमेट में सिर्फ एक फैक्टर आता है। अगर हम P1 जनरेशन की गैमेट्स बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेंगी। ये गोल बीज वाले पौधे हैं, इसमें दो तरह के फैक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब गैमेट्स बनाते हैं तो ये फैक्टर्स अलहदा हो जाते हैं, हर गैमेट में एक फैक्टर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ हुआ, उसमें भी दो फैक्टर्स हैं, स्मॉल R स्मॉल R। जब इनके गैमेट्स बनाते हैं तो ये फैक्टर दोनों अलहदा हो जाते हैं और हर गैमेट में एक एक फैक्टर चला गया है। इसके बाद जब इनको क्रॉस करते हैं तो इन दोनों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये देखें, यहाँ से कैपिटल R और यहाँ से स्मॉल R आके ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इसी तरह ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया और ये तीसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल R और कैपिटल R, और इसी तरह इन दो गैमेट्स का ये कॉम्बिनेशन हो गया। ये 4 मुख्तलिफ किस्म के बीज बने हैं, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन है।
जब F1 की सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसके गैमेट्स इस तरह से बनेंगे। ये दो फैक्टर्स फिर सेपरेट हो रही हैं, एक फैक्टर एक गैमेट में चला गया और दूसरा फैक्टर दूसरे में। इसी तरह जब इन दोनों के क्रॉसिस करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे। इन दोनों के क्रॉसिस को हम इस तरह से एक चेकर बोर्ड की सूरत में जाहिर करते हैं। एक तरफ नर गैमेट्स हैं और दूसरी तरफ मादा गैमेट्स। अब इन दोनों का मिलाप इस तरह हुआ है कि कैपिटल आर और कैपिटल आर ये दोनों मिलके इस शक्ल का बीज बना रहे हैं, और इसी तरह ये गैमेट और ये गैमेट मिलकर इस शक्ल का बीज बनाते हैं। इस तरह तीसरा कॉम्बिनेशन ये बना है, इसकी शक्ल भी गोल है। और चौथा कॉम्बिनेशन जिसमें दो फैक्टर्स एक जैसे हैं, यानी कि रिसेसिव फैक्टर्स स्मॉल आर और स्मॉल आर हैं, ये झुर्रीदार शक्ल का बीज है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितने गोल शक्ल वाले हैं और कितने झुर्रीदार। गिन लेते हैं, 1, 2 और 3, ये तो गोल शक्ल वाले बीज हैं, जबकि 1 जो है वो झुर्रीदार शक्ल का है, यानी इनका तनासुब 3 और 1 का है। जैसा कि मेंडल ने अपने तजर्बात में देखा था कि तनासुब 3 और 1 का आता है। मेंडल ने जो मफरूज़ा गैमीट्स बनते वक्त फैक्टर्स के रवैये के बारे में कायम किया था, उसे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। उसे इस तरह से बयान किया जाता है, जानदारों के जिस्म में हर खसूसियत के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन गैमीट्स बनते वक्त ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह एक गैमीट में हर खसूसियत का सिर्फ एक फैक्टर आता है। गैमीट का मिलाप होकर नया जानदार बनता है तो उसमें फिर हर खसूसियत के दो फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक मादा जानदार से आता है, दूसरा नर जानदार से आता है। अज़ीज़ तलबा, ये तो थे मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से तजर्बात किए और इन तजर्बात से जो कवानीन अख़ज़ किए वो। उसने जो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस से तजर्बात किए और उनसे जो कवानीन बनाए उसको हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।